हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेटीएम पोस्टपेड एप्लीकेशन के बारे में। ये जो ऑप्शन है ये हमारे को पेटीएम में ही मिल जाता है। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे उसके ऊपर आज बात करेंगे। और उससे पहले जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले मैं बैक आऊँगा, बैक आने के बाद आप सबसे पहले इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन, लोन क्रेडिट कार्ड पेटीएम पोस्टपेड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पेटीएम पोस्टपेड पे क्लिक करेंगे आप देखते हैं मेरे सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। जो मेरी लिमिट इन्होंने प्रोवाइड करी है वो मेरी लिमिट है 5500 रुपये की। जो इस वो लिमिट को प्रोवाइड करता है वो है आदित्य बिरला कैपिटल। अगर आपको भी यहाँ से पेटीएम पोस्टपेड की सुविधा लेनी है तो आप यहाँ पर जाके पेटीएम पोस्टपेड को अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको 1000 से लेके 70000-80000 तक के भी यहाँ पे लिमिट मिल जाती है, क्योंकि जो मेरी लिमिट है वो मुझे लिमिट 5500 की ही प्रोवाइड हुई है। और मैं इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ उसके लिए ऊपर भी दिखाता हूँ मैं आपको। व्यू टू यूज पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल, DTH, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सिलेंडर, बुक सिलेंडर। इसको मैं कई जगह यहाँ पर इस मर्चेंट पे इसको मैं यूज कर सकता हूँ। और मैं इसको अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, क्योंकि जो इसको ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन है वो पेटीएम में ही आता है। पेटीएम रेंट वाला ऑप्शन है, वहाँ से मैं इसको चाहूँ तो अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और अगर आपको इस यहाँ से लिमिट नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना, हो सकता है कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि हो सकता है कि आपको इसमें पेंडिंग का ऑप्शन शो करे या हो सकता है कि आपको कोमिंग सोन का ऑप्शन शो करे, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर पाऊँगा। और अगर मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।